एलईडी डिस्प्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरहमतुल्लाह, मैं हूँ अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं यान 74 ऑफिशियल। अल्लाह पाक की रहमत से आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए ये है द ऑल न्यू सुजुकी स्विफ्ट 2022 मॉडल। आइए आपको इसका रिव्यू करवाते हैं। जो आप सेंटर में देख रहे हैं ब्लू कलर की, वो टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। ये इसका इंजन जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल में दिया गया है, विविड इंजन जो कि आपको 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। फ्रंट पे आते चले तो आपको यहाँ पे इसके प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे साइड इंडिकेटर, यहाँ पे DRL इसके यहाँ पे दिए गए, नीचे की जानी आपको यहाँ पे फॉग लाइट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सिंपल में नहीं दी गई। GL वेरिएंट में इसकी फॉग लाइट्स नहीं दी गई। GL की जो कि GL में यहाँ पे हेलोजिन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे नीचे की जानिब आपको यहाँ पे साइड इंडिकेटर और नीचे की जानिब आपको यहाँ पे DRL देखने को मिलते हैं। इसके टायर्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पेंट में टायर्स देखने को मिल जाते हैं इसके अलॉय व्हील्स जो कि इसमें सिंपली सिल्वर में दिए गए हैं। साइड इंडिकेटर की बात करते चले तो यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर जो कि मिरर में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे दूसरी जानब आपको यहाँ पे नीचे की जानब साइड इंडिकेटर देखने को मिलता है। इसके हैंडल्स, डोर हैंडल्स जो कि क्रोम में दिए गए हैं और यहाँ पे पेट के मुताबिक यहाँ पे ग्रे में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्रंट की बात करते हैं तो इसका फ्रंट और उसका फ्रंट बिल्कुल सेम है, ग्रिल जो रेडिएटर ग्रिल है इसकी वो सेम टू सेम। कीलेस एंट्री है इसकी गाड़ी के अंदर, एंट्री होते ही आपको यहाँ पे सॉफ्ट में टच इसका देखने को मिल जाता है, यहाँ पे फैब्रिक्स का यूज़ किया गया है। नीचे की जानिब आपको यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बाहर आउटसाइड मिरर कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रोम हैंडल, नीचे की जानिब आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाता है, बॉटल होल्डर, कप होल्डर यहाँ पे, और नीचे की जानिब आपको एक अदर स्पीकर देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर एंट्री होते ही आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट्स देखने को मिल जाती हैं, नीचे की जानिब आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट को ऊपर नीचे आगे पीछे अपने कम्फर्ट के हिसाब से। जो ही आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे एसी इवेंट एक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नीचे की जानिब आपको स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे की जानिब ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, साथ में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस अप्स एंड डाउन्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यह जी इसका क्लस्टर, साथ में आपको यहाँ पे मीटर देखने को मिल जाता है दोनों जाने, यहाँ पे फ्यूल का मीटर यहाँ पे दिया गया है और हीटेड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यह जी इसका LED डिस्प्ले, नीचे की जानिब आप यहाँ पे ऑटो में इसका AC वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्टेयरिंग की तरफ आते चलें तो आपको यहाँ पे लेदर में स्टिचिंग देखने को मिल जाती है स्टेयरिंग की, और साथ में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे मोड्स वगैरह या वॉल्यूम्स अप्स एंड डाउन्स करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इन्फो जी यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। नीचे की जानिब आपको यहाँ पे कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के लिए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, साथ में यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एक एयरबैग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और इसमें 6 एयरबैग दिए गए हैं। जो ही हम फ्रंट की तरफ आते चले हैं तो आपको यहाँ पे 2 AC इवेंट, साथ में यहाँ पे इंडिकेटर का साइन देखने को मिलता है, नीचे की जानिब आपको यहाँ पे 9 इंच में LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि फुली टच में लोडेड है। यहाँ पे जी मोड वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसके,
और यहाँ पे फ्रंट और रियर जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ से, जो कि ऑटो में कंट्रोलेबल है। नीचे की जानेब एसी का बटन दिया गया। नीचे की जानेब आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट और साथ में ये सिंपली टच दिया गया है। यहाँ पे कुछ मिनी स्पेस है, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर, नीचे की जानेब आपको यहाँ पे गियर शिफ्टर देखने को मिल जाता है जो कि स्पोर्ट्स मोड में भी मौजूद है। यहाँ पे जी आपको क्लाइमेट कंट्रोल एक इस तरफ मिल जाता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिनी स्पेस के साथ मौजूद है। फ्रंट डोर की बात करते चलें तो आपको यहाँ पे अगेन हार्ड प्लास्टिक, नीचे की जानेब क्रोम हैंडल और साथ में आपको यहाँ पे फैब्रिक का वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक अगेन, नीचे की जानेब कप होल्डर और फैब्रिक सीट्स जो कि फुली फैब्रिक्स में मौजूद हैं। ऊपर की जानेब अगेन आपको यहाँ पे फैब्रिक का वर्क देखने को मिल जाता है सॉफ्ट पे। यहाँ पे जी हैंडल चारों जानेब आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की जानेब आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है दोनों जानेब। गाड़ी के कंफर्ट की बात करते लें तो यहाँ पे आपको लेग स्पेस भी काफ़ी मिल जाती है और हेड स्पेस भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है। पीछे की जानी बातें चलें तो आपको यहाँ पे बैक हैंडल जो के ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे बैक डोर की जानी यहाँ पे क्रोम हैंडल और नीचे की जानेब यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, नीचे की जानेब अगेन हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलता है फुली में। जो ही आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट्स अगेन देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जी कंसोल बॉक्स जो कि मिनी में आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप आर्म रेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे की जानेब आपको मिनी कप होल्डर देखने को मिल जाता है। यह जी इसका पार्किंग ब्रेक यहाँ पे दी गई है और साथ में यहाँ पे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं और आर्म रेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, कंसोल बॉक्स को। पीछे की जाने बातें चले तो आपको अगेन यहाँ पे रियर टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं एलईडी के अंदर और साथ में आपको यहाँ पे स्पॉइलर देखने को मिलता है। यहाँ पे बैक लाइट ऊपर की जाने शार्ट है ना आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की जाने वाइपर्स की बैटिंग है, नीचे की जाने आपको यहाँ पे वन पुश पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। नीचे की जाने आपको यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। स्पेयर व्हील इसमें नहीं दिया गया, आप इसको मैनुअली बंद कर सकते हैं। पीछे की जानेब आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। ये जी इसका फ्रंट डोर अगेन कीलेस एंट्री जो कि आप ऑन टच पे इसको ओपन कर सकते हैं। ये था जी जो कि टॉप ऑफ द लाइन है और आपको अभी सिंपल का विजिट करवा देते हैं। यह जी GL इसका यहाँ पे हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं। यहाँ पे साइड इंडिकेटर और नीचे की जानेब आपको यहाँ पे DRL देखने को मिल जाते हैं। नीचे की जानेब फॉग की स्पेस दी गई है, आप फॉग लाइट्स आप यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। फ्रंट की जानेब अगेन यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे डायनामिक सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, रेडिएटर ग्रिल। साइड इंडिकेटर जो कि टॉप ऑफ द लाइन में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और सिंपल में GL में यहाँ पे दिया गया है। टॉप ऑफ द लाइन में आपको जो साइड यहाँ पे क्रोम हैंडल देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको सिंपली के मुताबिक देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको अगेन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, नीचे की जानेब यहाँ पे वाइट प्लास्टिक और नीचे की जानेब ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे फैब्रिक अगेन, यहाँ पे विंडोज़ कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ में
आउटसाइड मिरर कंट्रोल्स, उसके जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, इसके मिरर्स फोल्डेबल हैं, जबकि इसके सिंपल आप हाथ से ही फोल्ड कर सकते हैं। जो आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आपको यहाँ पे सीट एडजस्टेबल के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं मैनुअल में, और आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी आप ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में एंटर होते ही आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, साथ में आप यहाँ से की से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर एंटर होते ही आपको सेम फीलिंग आती है, लेकिन यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो सिंपल में दिया गया है, यहाँ पे प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे जी सिंपली स्टीयरिंग दिया गया है, यहाँ पे एक एयर बैग यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, इस पर सिर्फ दो एयर बैग दिए गए हैं। फ्रंट की जानब अगेन आपको यहाँ पे मिनी क्लस्टर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अगेन मीटर देखने को मिलता है, यहाँ पे हीटेड और कूलेंट के ऑप्शंस नहीं दिए गए। यहाँ पे जी आपको अगेन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्लाइमेट एसी इवेंट जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक तो तीन। यहाँ पे जी अगेन जो एलसीडी है वो साइज़ उसका सेम है। नीचे की जानिब आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की जानिब आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे मिनी स्पेस, अगेन यहाँ पे दो कप होल्डर, और ये गियर शिफ्टर आपको मैनुअल में स्टिक में देखने को मिलता है। जो ही आप यहाँ पे आते चलें तो ग्लव बॉक्स सेम स्पेस में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जी हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे फैब्रिक, नीचे की जानिब अगेन हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है ब्लैक एंड वाइट में। सीट्स इसकी और जो टॉप ऑफ द लाइन है उसकी सेम सीट्स दी गई हैं। इसका वैनिटी मिरर भी सेम दिया गया है। ये जी इसका लाइट्स, रूम लाइट्स, इसका भी वैनिटी मिरर सेम है। जो ही हम नीचे की तरफ आते चले हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाती है, और नीचे की जानिब आपको यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिलता है, यहाँ पे कंसोल बॉक्स इसमें नहीं दिया गया। यहाँ पे अगेन इसका हैंडल ऊपर की जानिब दिया गया है। यहाँ पे एंटर होते चले तो आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, फुली हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाती है। नीचे की जानिब स्पीकर दिया गया, इसकी भी सीट्स जो कि फैब्रिक्स में दी गई हैं। नीचे की जानिब आपको कोई ऐसी इवेंट देखने को नहीं मिलता। बैक लाइट्स इसकी सेम दी गई हैं, यहाँ पे जी स्विफ्ट जीएल की बैजिंग दी गई है। ऊपर की जानिब आपको अगेन यहाँ पे स्पॉइलर के अंदर बैक लाइट और ऊपर की जानिब शार्क एंटीना देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जी इसका पूरा बोट ओपन कर सकते हैं वन टच पे। अगेन यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह दिए गए हैं। आपको मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर रिव्यू अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।